एक और गीत, पुराना गीत है यहोवा चरवाहा मेरा, सॉन्ग नंबर 226। जिस गीत की किताब में सॉन्ग नंबर 226 पुराना गाना है, लेकिन हम नए अंदाज में इसको गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, जो अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं करोड़ों करोड़ का करके अपने स्थान में खड़े हो जाए। लेट्स स्टैंड अप इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और ताली बजाकर खुशी के साथ हम इस गीत को गाएंगे। लेट्स स्टैंड अप प्लीज, आने वाले तो वही खुशी के साथ, आनंद के साथ, आसानी के साथ, स्वतंत्र के साथ। यस, I'm
आप लोगों के धन्यवाद धन्यवाद तो यीशु मसीह आप हमारे चरवाहा है, सब आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हमें कोई घटी नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप हमारा चरवाहा है, हम आपकी भेड़ है। हालेलुया, आप एक अच्छा चरवाहा है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दाऊद ने कहा, ओ हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ हम भी कह ना पाए, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं है। ओ जिसका चरवाहा, जिस भेड़ का चरवाहा यीशु मसीह है, उसके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। हमने गाया सर्वदा उसके जीवन के हर पल में करुणा और भय निरंतर उसके साथ साथ चलती रहेगी। ओ जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ओ जिसके जीवन में यीशु मसीह चरवाहा है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान लिया है, उनके जीवन में जिंदगी भर भलाई और करुणा उनके पीछे पीछे चलती रहेगी। हमें आशीषों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आशीष भलाई करुणा जिंदगी भर हमारे पीछे चलती रहेगी। हालेलुया, इतना अच्छा है चरवाहा, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। आइए उस यीशु मसीह की हम स्तुति करें, कुछ समय हम प्रभु की आराधना करें, अपने मुंह से कहें, अपने मुंह खोलकर, अपने दिल को खोलकर, अपने मन को प्रभु की ओर लगाकर कहें, हे यीशु मसीह आप ही मेरे चरवाहा है, यीशु मसीह आप ही हमारे ओ अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने अपना जीवन अपनी भेड़ों के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जो अच्छा चरवाहा है अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है, अपने जीवन को बलिदान कर देता है। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हालेलुया, इतना बड़ा प्रेम हमसे किया है। हालेलुया, और आज भी आज हमारे साथ है यीशु मसीह, आज भी हमारे साथ है, एक अच्छे चरवाहे के रूप में आज भी हमारे साथ है। हालेलुया, हम चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम चाहे सोचे कि हम किसी गड्ढे में गिर गए हैं, हम किसी कांटे में फंस गए हैं, हम किसी झाड़ी में उलझ गए हैं, लेकिन अगर चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपनी नजर पर रखता है, हमें दोबारा वहां से लेकर आकर अपने कंधों पर रखकर आनंद मनाता है, और ऐसा अच्छा चरवाहा हमारे लिए है। अगर हमारे जीवन में कोई पाप हो गया हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, अगर हम भटक गए हो, कोई बात नहीं, अच्छा चरवाहा आज भी हमें ढूंढता हमारे पास आ रहा है। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने ले, ओ प्रभु को बुलाए, यीशु मसीह को पुकारे, यीशु मसीह को पुकारे, यीशु मसीह आप हमारे चरवाहा है, आप हमारे चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे महाराजा है, आप ही हमारे राजा है, आप हमारे प्रभु है। हालेलुया, दूसरे कुरिन्थियों, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 2 और 3 वर्सेस 2 and 3, दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 2 और 3, मैं पढ़ देता हूँ इसको हिंदी में। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है हमारी पत्री तुम ही हो। पौलुस किसको कह रहा है? कलीसिया के विश्वासियों को, कोरिन्थियों, जो कोरिन्थियों में जो विश्वासी गण है। ऐसा ना समझे कि सिर्फ कोरिन्थियों के लोगों को लिखा गया है, ये जो पत्रियां हैं, ये सारे जो पत्र एपिस्टल्स है, वो सब विश्वासियों के लिए, आज के लोगों के लिए भी लिखा गया है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि जो कोरिन्थियों में जो बातें हैं वो कोरिन्थी कलीसिया को बताई गई है, जो इफिसियों की पत्री है वो इफिसियों की जो कलीसिया है उनके लिए बोला गया है, और कुछ अलग वहां पर फिलिपी के लिए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी पत्रियां हैं, जो एपिस्टल्स है, जो पत्र है जो पौलुस ने जेल में से लिखा, जब उसको समय मिला, पत्रियां लिखी, कलीसिया को दी, वो सब हम सब के लिए, हम सबको सीखने के लिए। तो यहाँ पर पौलुस कहता है सब विश्वासियों से, कलीसिया में जितने लोग हैं उन सबको एक ही बात बोलता है, तुम मेरी क्या हो? पत्री हो। हमारी पत्री, पत्री तुम हो। पत्री मतलब एपिस्टल, एपिस्टल मतलब हम आजकल के जमाने में देख सकते हैं, जब हम लेटर लिखते हैं किसी को, है ना, लेटर का टाइम तो गया अभी, बहुत पहले लेटर लिखते थे, आजकल तो ईमेल लिखना शुरू कर दिया है, व्हाट्सएप में मैसेज होना लग गया है, तो वो एक बहुत जल्दी जल्दी आजकल लोगों के पास मिल जाता है।
और वो भी नहीं, आजकल तो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लोग, आपस में डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन जब पौलुस के समय में वो पत्रियां लिखते थे वहां पर, लंबे लंबे खत होते थे, लंबे लेटर्स होते थे, उनको पत्रियां कहा गया है। आजकल के जमाने में देखा जाए तो जो न्यूज पेपर्स है, इसके साथ देख सकते हैं, रोज हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना, रोज न्यूज पेपर, जब सुबह जाते हैं काम में जाने से पहले या कहीं भी सुबह सुबह हमारे जो न्यूज पेपर होता है वो न्यूज पेपर रात में चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ लोग जब बाइबल पढ़ते हैं उसके बाद प्रार्थना सब करने के बाद क्या करते हैं, हम सीधे न्यूज पेपर को देखते हैं। और न्यूज पेपर से हमें क्या मिलता है, पूरी जानकारी मिल जाती है, पिछले कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, फिर आगे क्या होगा, कई सारी बातें हमें उससे मालूम पड़े, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमें कहां से मिल जाती है, न्यूज पेपर से भी मिल जाता है। हालेलुया। तो आज उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उससे क्या जानकारी मिल जाती है कि दुनिया में, अभी इंडिया के बारे में चाहिए तो वहां पर इंडिया के जो नेशनल न्यूज है उसको हम पढ़ेंगे, तो नेशनल न्यूज को पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भारत में क्या क्या चल रहा है उस समय पता चल जाएगा। अभी जब हम केरल के लिए लोकल जो पेपर है उसको पढ़ेंगे तो हमें यहाँ का केरल में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, सरकार के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पर कहाँ पे क्या चीज हो रही है, सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन उसमें से मिल जाता है। अगर हम इंटरनेशनल न्यूज चाहिए तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है इंटरनेशनल न्यूज, जो वर्ल्ड न्यूज, उसको हम पढ़ते हैं, उससे दुनिया के बारे में पता चलता है। तो डेली क्या करते हैं, हम न्यूज पेपर को पढ़ते हैं, और न्यूज पेपर पढ़ते हैं उसके बाद हम क्या होता है, नॉलेज मिल जाता है, पता चल जाता है, इधर से लिखा है कि आज स्ट्राइक है, हमें मालूम पड़ गया, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको नहीं पढ़ेंगे, हमें न्यूज नहीं मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, हम लोग बाहर चले जाएंगे, रास्ते में आधा रास्ते में जाकर मालूम पड़ेगा गाड़ी आगे नहीं है, रोड बंद है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आज के जमाने में हम देख सकते हैं जो न्यूज पेपर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे आसपास की जगह के बारे में, हमारे भारत नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, हमें सब इस पर से मालूम पड़ता है। उस समय में पत्रियां हुआ करते थे, तो परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कलीसिया से, वो सब परमेश्वर ने इस पत्री के द्वारा हमें बताया है और उसको यूज किया और उससे लिखा, जहां उसको समय मिला, चाहे जेल में हो, चाहे अपने कमरे में हो, चाहे जहां पर भी उसको जब भी समय मिला, उसने क्या किया, पत्रियों को लिखा, पत्री लिखकर भेज दिया, कलीसिया को दिया, ताकि वो पढ़े, ताकि वो समझ सके परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या है। तो ये जो पत्री है, एपिस्टल इसको बोलते हैं, कि परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो सब हम पत्रियों में देख सकते हैं। हालेलुया। तो अब यहां पर पौलुस बहुत अच्छी बात बोलता है, पौलुस बोलता है कि तुम हमारी पत्री हो। उसके बाद तीसरे कहा गया, तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। यहां पर लिखे तुम मसीह की पत्री हो, पत्रियां हो, हम मसीह के इस संसार में परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के एपिस्टल्स के रूप में, पत्री के रूप में रखा है। हमें ऐसे आजकल के जमाने से बोला कि हम न्यूज़पेपर यीशु मसीह के। हालेलुया। हमारे प्रचार से नहीं, हमारे बोलचाल से नहीं, हमारे जीवन से एक प्रचार निकलना चाहिए। जैसे पास्टर ने आज वचन से बोला कि सिर्फ प्रचार करके अपने आपको नहीं दिखाना कि यीशु मसीह कौन है, हम दूसरों को नहीं बता सकते। अगर मैं खराब जीवन जीता हूँ, बहुत चोरी करता हूँ, मारपीट करता हूँ, गुस्सा करता हूँ और झूठ बोलता हूँ, ये सब करने के बाद मैं दूसरों को बोलूँ यीशु मसीह के पास आओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप बहुत अच्छे जीवन जियोगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाद में करेगा, वो उसको नहीं मानेगा। वो हम अपने बात कह रहे हैं, वचन से सारी बात बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली, लेकिन आपके जीवन में वो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपके जीवन और आपका प्रचार में बहुत गैप है। प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा जीवन पवित्र है, अगर हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, तो हमें ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लोग हमें देख कर ही हमें हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से वो बोलेंगे सचमुच में आप किसकी आराधना करते हो, आप किसके सेवक हो, आप यीशु मसीह आप कौन है, आप कहाँ जाते हैं, हमसे लोग पूछेंगे। तो हमें जैसे बहुत अच्छी बात है, उसी को मैं कंटिन्यूटी में बोलना चाहता हूँ, कंटिन्यूशन में ये बोलूंगा कि हम अपने जीवन को, इतना ही संदेश है आज का कि हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं, हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं, हम जहां भी जाएं हम ये समझ के चलना है कि हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं, वी आर द एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, ये समझ के चलना है। कभी भी ये ना लगे कि हमारे कारण यीशु मसीह का नाम बदनाम ना हो,
कभी भी हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो, हम जहां भी जाए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये इसीलिए यहाँ पर पौलुस ने कहा तुम मसीह की पत्री हो, तुम परमेश्वर की पत्री हो। ये बाइबल लेके चलना अच्छी बात है, इस बाइबल को हम उठा के दिखा सकते हैं सबको, लेकिन इस बाइबल को अपने जीवन में अमल में करना बहुत जरूरी है। और जब इस वचन को अपने जीवन में रखकर हम जब चलते हैं तो उस जीवन में उस तरीके को देखकर खुद लोग अपने और लोग प्रभु में आना शुरू करते हैं, प्रभु में आना शुरू करते हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन एक पत्री बन जाए, हमारा जीवन एक सुसमाचार का पत्री बन जाए। वही आज का संदेश, यही है संदेश आज का। हम परमेश्वर की पत्रियां हैं, यीशु मसीह की पत्रियां हैं। यीशु मसीह ने हमें और भी बहुत कुछ बोला है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हम परमेश्वर के मंदिर है, इस मंदिर को हमें संभाल के रखना है। इस अपने आप को भी प्रभु जैसा इस कलीसिया को संभाल कर साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह प्रकार से जैसे कहा है तुम परमेश्वर का मंदिर, एक जगह पर कहा गया है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हमें नमक के जैसे एक टेस्ट इस दुनिया में देना है। नमक जो है खाने में अगर नमक कम हो जाए तो उसका टेस्ट नहीं होता। वैसे ही हम क्या करना है, हम अपने जीवन को अच्छे व्यवहार के साथ एक पवित्र जीवन जिए, इस पृथ्वी में नमक भी दे रहे हैं, इसमें नमक अच्छे स्वाद इस संसार में प्रदान करें। साथ ही साथ यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, ये समझना है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हम ना सिर्फ नमक है बल्कि ज्योति भी है। ये पूरी दुनिया अंधकार में है, अगर हम आत्मिक आंखों से देखें सब अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर के बीच में हमें रोशनी के रूप में रखा है, तो हमें वहां उनके सामने रोशनी देनी है, परमेश्वर का जब वचन हर लोगों को सुनाना है। और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के वचन में यहीं पर समय नहीं है, वहां पर लिखा है तुम परमेश्वर यीशु मसीह की सुगंध हो। पर नमक, ज्योति, सुगंध, पत्री, परमेश्वर का मंदिर, यह सब हमारे लिए दिया गया है। हम सिंपल साधारण लोग नहीं है, हम सिर्फ विश्वासी नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं, हम ये नहीं कहें कि सिर्फ विश्वासी है, हमें बस इतना आना है खाना खाना है और उसके बाद खा पी के चले जाना है या आराधना, ये नहीं। हमें समझना है कि हम यीशु मसीह में कौन है, हम यीशु मसीह की पत्री है, हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के मंदिर है, हम इस पृथ्वी पर नमक है, हम इस जगत की ज्योति है, और यीशु मसीह की सुगंध को फैलाने के लिए वचन को सुगंध के फैलाने वाले सुगंध है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम मिलकर एक गीत और गाएंगे।
हमेशा
हमें बनी रहने पाया और हम सब मिलकर कहें आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, आप सबको प्रभु बहुत आशीष प्रदान करें। थैंक यू सो मच।